आज का विषय है हमारा उन सीफेयर्स को लेके जो खासकर ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस से ट्रेवल करने वाले हैं, रिटर्न बैक टू इंडिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके हैं और वापस आना चाहते हैं फ्रॉम इस्तानबुल। खासकर इस टॉपिक को आज को लेके चलते हैं हम इस्तानबुल से। हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल फाइनल किया है और एयरलाइंस को उसको फॉलो करने के लिए बोला है। एयरलाइंस को वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है और अगर आप वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं एयरलाइंस का, तो आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगा। ऐसा मेरी कंपनी के कुछ लोगों के साथ हुआ है, सीफेयर्स के साथ। उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, साइड में रख दिया उसको, बहुत इजी ले लिया कि दैट वी आर गोइंग टू होम सो नो वन कैन स्टॉप इन दिट वे। बट मैं फिर से आपको याद बता दूं, ये वर्ल्ड मेडिकल इमरजेंसी है। WHO के प्रोटोकॉल हर किसी को फॉलो करने हैं और अगर आप किसी भी कंट्री के WHO के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको उनके प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने की वजह से कोई भी एयरलाइंस आपको एक्सेप्ट करने से, बोर्डिंग देने से डिनाई कर सकती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? आप एक सीफेयर होने के नाते सीफेयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वहाँ पे लोकल एजेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब भी आपको कंफर्म हो जाए 2 दिन 3 दिन पहले कि आपका साइन ऑफ होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू रिपार्टिएट फ्रॉम इस्तानबुल एयरपोर्ट, सबसे पहले आपको इंडियन एम्बेसी को इंटीमेट करना है। इंडियन एम्बेसी इज वेरी मच कोऑपरेटिव इन इस्तानबुल, डे एंड नाइट, इवन द ऑफिस आवर्स और इट इज नॉट द ऑफिस आवर्स, वो आपको इमीडिएट उनसे सपोर्ट मिल जाएगी। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के नंबर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ इंडिया इस्तानबुल, अगर आप सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव, कि हम ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि वी आर टॉकिंग टू द एम्बेसी एंड वेरी मच सपोर्टिव। आपको उनको बताना है, आपकी पूरी डिटेल कंपनी के थ्रू या आपके थ्रू वहाँ भेजनी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है हर एक आने वाले इंसान को, पर्सन को या नेशनल को, इंडियन नेशनल को अपने आप को रजिस्टर कराना है। जब तक आप उस सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट। सो वो डिटेल आगे प्रोसीड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दैट इज वन प्रोफॉर्मा, ME प्रोफॉर्मा सर वहाँ पर नाम लिखा है, उन्होंने डिटेल दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आपको ब्रिटिश एयरवेज से अगर आप आ रहे हैं, तो आपको अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो bomb.arrival@ba.com, उसमें आपको रजिस्टर करना है। उसका कुछ प्रोफॉर्मा है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह अगर दिल्ली जा रहे हैं तो dl.arrival@ba.com, ऐसे 3-4 डिटेल्स हैं, वो आपको सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएंगे। आप अगर ये सब चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आप बोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपको एयर सुविधा एक इंडियन साइट पे मिल जाएगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है विद द सीट नंबर। इसमें आपको बहुत जगह कंपनी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप जब शिप में काम कर रहे हैं या आ गए, आपको इंटरनेट प्रॉपर नहीं मिल रहा है या फिर आप फॉर्म वगैरह प्रॉपर फिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिक्लेरेशन है क्वारंटाइन के, वो डिक्लेरेशन भी आपको फिल करने हैं। आप अगर कहीं नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी को अप्रोच करना है और अपनी कंपनी को अप्रोच करके उनको रिक्वेस्ट करना है, उनसे आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी और इस तरह से कंप्लीट फिल हो सकता है। इसमें अगर आप कहीं भी चूक जाते हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी, बोर्डिंग नहीं मिलेगा, और बोर्डिंग नहीं मिलने की कंडीशन में आजकल एयरलाइंस ने अपनी रूल रेगुलेशन सेटअप की हुई है, उसका रिफंड भी ये समझ लीजिए कि 1 या 2% ही आपको मिलेगा। मतलब अगर ये 600 या 700 डॉलर का टिकट था, तो आपको आपको हो सकता है कि $7, $10 या $15 ही वापस मिले। सो इट इज़ रियली ए ह्यूज लॉस फॉर द कंपनी और फॉर एनीबडी और फॉर पर्सनली फॉर द सी फेयरर्स। बट आपको पहले से इन चीज़ों को के बारे में अवेयर रहना है अगर आप स्मूथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। जैसे ही आप जिस भी स्टेट में आने वाले हैं, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, आपको उस स्टेट के हिसाब से उसके प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आपको जैसे ही
साइन ऑफ होंगे, उसके बाद आपको कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड द वेसल, बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम इस्तानबुल। आज पर्टिकुलर मैं बता दूं कि हम इस्तानबुल के बारे में ही बात कर रहे हैं, देन अगले वीडियो में हम दूसरे कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटी आप लोग को करनी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको पिछले वीडियो में या कहीं भी आप मुझे पूछेंगे तो मैं अपना नंबर उधर शेयर कर दूंगा, आपको स्क्रीन में भी मेरा नंबर दिखाई दे जाएगा। यू कैन आस्क टू मी, मे बी आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस मैटर, एंड यू आर ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इंडियन एम्बेसी इफ यू फीलिंग दैट यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन इस्तानबुल। रियली अगेन आई कैन से यू द आवर मिनिस्ट्री इज वर्किंग वेरी केयरफुली, वेरी सेंसिटिवली दिस ऑल मैटर्स। हमारा जो पीओई डिपार्टमेंट है मुंबई, दे आर ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल। आई रिक्वेस्टेड मैनी टाइम इन मैनी इशूज टू दैम एंड ऑलवेज दे सपोर्ट। सो अगर कहीं भी आपको लगता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको कुछ तकलीफ है, आप कहीं बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खासकर फ्लाइट्स को लेके, तो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा, ये ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस की बात हो गई, इसी तरह आप तेहरान एयरवेज की अगर बात करें हम, सॉरी अगर हम टर्किश एयरवेज की बात करें तो उसमें भी यही प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा, और आपको इंडियन एम्बेसी को डिटेल देना पड़ेगा, देन वाया दोहा यू विल कम बैक। टर्किश एयरवेज से आप आ सकते हैं दोहा तक, एंड दोहा के बाद में आपको इंडियन एयरलाइंस की कोई भी फ्लाइट, जो इंडियन इंडिया की एयरलाइंस हैं उनकी कोई भी फ्लाइट आपको वहाँ से ला सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ ये मिस करते हैं, मैंने MEA का फॉर्मेट जो है अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम दोहा, एंड देन यू कैन बी डिपोर्टेड बैक टू इस्तानबुल बिकॉज आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है। सो बेटर है कि आप अपनी एनर्जी, टाइम, पैसा, और सबसे बड़ा आप पैनिक होंगे जब आपको एक दिन या दो दिन एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा। सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दीज इश्यूज इफ यू आर ट्रेवलिंग बैक टू इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, मीन टू से बिफोर कोरोना पीरियड यू हैव ज्वाइन एंड नाउ दिस इज अ टाइम वेन यू हैव टू कम बैक आफ्टर साइन ऑफ। सो बी वेरी मच केयरफुल एंड फॉलो द गाइडलाइंस विच इज ऑलरेडी देयर, आई एम ट्राइंग टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एंड रीच सेफली एट होम ऑन टाइम विदाउट वेस्टिंग योर मनी एंड मोर टाइम अननेसेसरली एट द एयरपोर्ट्स एंड अदर प्लेसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी।